ओके सो हाय गाइस, दिस इज रियम रोशन एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंसेस दैट यू नो दीज टू थंपलेस हैव फॉर देमसेल्व्स। आई मीन मैं बात कर रहा हूँ पैराबॉय की एंड मैं बात कर रहा हूँ जॉनाथन की। हमें पता है बहुत ज्यादा सिमिलर बट डिफरेंट प्लेयर्स हैं ये दोनों, बिकॉज पैराबॉय आई वुड से इन द वर्ल्ड ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर एंड जॉनाथन इज द फाइनेस्ट प्लेयर। The finest find that a team can have, that's Jonathan, and the most talented find that a team can have is Paraboy. ये दोनों सिमिलर है एक एस्पेक्ट में, और वो है कि दोनों थंप प्लेयर्स हैं, बट ये दोनों डिफरेंट है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा एक अलग कंक्लूजन पे जाएगी। सो आई वुड से पहले हम लोग ऑब्वियसली पैराबॉय को देखेंगे, और उसके बाद अपन लोग जॉनाथन को देखेंगे, फिर इनको कंपेयर करेंगे किस तरीके से इनकी रीसेंट वीडियोस, रीसेंट गेम प्लेस के अराउंड ये पूरी वीडियो बनाई गई है। सो आप लोग ये वीडियो देखना जरूर, अगर आप लोगों को पसंद आता है लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट करना इफ द फाइट हैपेंस पैराबॉय वर्सेस जॉनाथन कौन जीतेगा, बिकॉज ट्रस्ट मी ये एक बहुत क्लोज कॉल हो सकती है जिस तरीके से उन्होंने ये प्लेयर्स फाइट लेते हैं। खैर बात करते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं एंड बहुत बेसिक्स के ही ऊपर बात करते हैं। सो लेट्स एक्चुअली बिगिन दिस वीडियो। इफ यू गाइस नो पैराबॉय, वी नो हिम राइट, ऑब्वियसली चाइनीज लॉबीज में खेलते हैं, डोमिनेट करते हैं, एफपीपी इनका मेन फोर्टे है, और जिस तरीके से खेलते हैं ही जस्ट ट्राइज टू गो फॉर द एम असिस्ट ऑफ साउंड विजुअलाइजेशन ऑफ, उस तरीके से खेला जाता है राइट। अभी यहाँ गाड़ी से भी उतरेंगे तो भी आप देखोगे किस तरीके से है। सो अगेन ये चीज आई गेस आप में से बहुत लोगों को पहले भी बताई है मैंने, अगर नहीं बताया तो मैं वापस से बता देता हूँ। जितना बड़ा आपका ये जॉयस्टिक साइज रहता है उतना, जितना छोटा रहता है, देखो जितना छोटा जॉयस्टिक साइज रहता है उतनी जल्दी आपकी यू नो रिफ्लेक्सिव मूवमेंट होती है, बट जितना बड़ा रहता है उतनी एक्यूरेट आपका स्टे रहता है किसी भी एम के टाइम पे, उतना एक्यूरेट रहता है। सो ये बड़े जॉयस्टिक का ये मतलब है कि आपका स्टे एक्यूरेट है, आपका आपका एम थोड़ा सा एक्यूरेसी ये उस तरीके से बिल्ड करता है। एंड वेल दिस इज वेयर दे जस्ट यू नो शूट फ्रॉम, ये शूटिंग का वो रहता है। यहाँ पर आप देखो तो हमें पता है थंब प्लेयर है, बट स्टिल ही जस्ट यू नो यूजेस दिस वन बटन समटाइम्स, अगर लेट करके मारना है कुछ भी लाइक उस तरीके से, लाइक मेन फोर्टे इनका थंब है प्रॉपर। एंड ये बटन्स हैं जो जिनके ऊपर इन्होंने पीक एंड ओपन स्कोप ऑफ रखा होता है। सो यहाँ से ये जस्ट हल्का सा पीक करता है, एंड ये बहुत सारे चाइनीज प्लेयर्स का हो चुका है जो पीक एंड ओपन स्कोप जो ऑप्शन होता है उसको ऑफ रखते हैं। सो ये जस्ट पीक ताकि वो आसपास के एरियाज का एंगल्स दे सके, अगर वो टीपीपी में खेल रहा है कुछ भी ऐसे कर रहे हैं, पीक इसीलिए यूज होता है, या फिर पीक करके हिप फायर करना होता है उस तरीके से यूज होता है इनका। इफ इज मूविंग फॉरवर्ड, इनका मूवमेंट बहुत ज्यादा यू नो ऐसा नहीं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ भी रहता है, जस्ट बहुत ही प्यारा, बहुत ही नॉर्मल मूवमेंट रहता है, बहुत ही नॉमिनल मूवमेंट रहता है। हमें पता है डीपी चलाना जानता है ये प्लेयर, और बहुत अच्छे तरीके से डीपी चलाता भी है। डीपी ही इज नोन फॉर दोज मैसिव डीपी आउटकम जिस तरीके से यूज करते हैं। दीज आर अ फ्यू ऑफ हिज सेंसिटिविटीज, इनकी सेंसी की वीडियोस मैंने पहले भी बना रखी है, अगर आपको चाहिए तो आप लोग वो वाली वीडियोस जा करके देख सकते हैं। बट या लेट्स टॉक अबाउट द वे ही जस्ट यू नो लाइक्स टू टेक डाउन प्लेयर्स, लुक एट द एक्यूरेसी पहली चीज। अब यहां पर ये आता है, जो आदमी कॉम्पिटिटिव एम असिस्ट ऑफ पर खेलता है और साउंड विजुअलाइजेशन ऑफ पर खेलता है, ही वुड बी नोइंग एवरी सिंगल मूव राइट। लाइक इनका इनका कॉम्पिटिटिव बहुत हार्डकोर होता है यार, बहुत ज्यादा हार्डकोर होता है इनका कॉम्पिटिटिव, और ये प्लेयर उस हार्डकोर कॉम्पिटिटिव में अपना दबदबा बना करके दिखा चुका है दैट ही इज ऑलवेज रेडी फॉर ग्लोबल कॉम्पिटिशन। ये कल भी मैंने बात करी थी जब सुक ने बोला था क्वालिफाइंग फॉर जीसी इज हार्ड, प्लेइंग जीसी इज कंपेरेटिवली इनफ इज कंपेरेटिवली ईजी, एंड वही चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स दिखाते हैं यार कि जब पीएल चल रहा होता है इनका तो कितना ज्यादा हार्ड लॉबी इनको लगता है। वहां पर ड्रॉप लोकेशंस का भी आपको पता है 6-5-4 के फॉर्मेट में ड्रॉप किया जाता है, जोन वन जोन टू जोन थ्री के अराउंड ड्रॉप लोकेशंस का इनका जो नया सिस्टम है उसके ऊपर ड्रॉप किया जाता है। अब से खैर इनको इनकी जगह मिलेगी, जहां ड्रॉप करना है वहां पर ड्रॉप करो, आराम से उतरो, बट उस चीज ने इनको इस चीज के लिए तैयार कर दिया कि अगर इनको कहीं और भी ड्रॉप करना पड़ा ये तब भी ड्रॉप करके डोमिनेट कर सकते हैं। लाइक वो चीजें इस तरीके से इनको हेल्प कर रही हैं। एंड नाउ फॉरवर्ड द वे दिस प्लेयर्स एम इज राइट, इनका एम चिपकता है एकदम ओपोनेंट पे, सीधा एम चिपकता है हेडशॉट्स। इनफैक्ट इस वीडियो को बनाते हुए मैंने देखा बहुत सारे हेडशॉट्स इस प्लेयर ने दिए, एंड जायज भी यार जिस तरीके से प्लेयर खेलता है। सो वो एम चिपकना दैट दैट जस्ट इज इनक्रेडिबल जिस तरीके से प्लेयर खेलता है, एंड ही नोज एवरीथिंग राइट। गेम के सारे मैकेनिक्स, ऊपर नीचे के मैकेनिक्स, जो भी मैकेनिक्स होते हैं वो मैकेनिक्स इस प्लेयर को पता है, हाउ टू स्विच टू एफपीपी, व्हेन टू स्विच टू एफपीपी, एंड किस तरीके से प्लेयर अंदर की तरफ को गया सो अंदर की तरफ को घुस के यू नो टेक डाउन। सो छोटी मोटी चीजें बट बड़ी कारगर चीजें, सो इट्स जस्ट सो गुड। मॉली किया ताकि खुद को बैठ करके हील करने का टाइम मिल सके, कोई ऊपर एकदम से ना आ जाए, मॉली उस चीज को रोकेगा। बहुत बेसिक बट बहुत इनक्रेडिबल सेंस, हालांकि ये प्लेयर फिनिश हुआ था इधर, बट
स्टिल यू नो वो होता नहीं है कि चांस नहीं लेना, कुछ भी नहीं, कोई कैंपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चांस लेने से हटना, ऑल दोज माइन्यूट थिंग्स. एंड देन देयर कम्स अनदर प्लेयर, देखा है ये तो बहुत इजी था, एक शॉट तो लग चुका था, दूसरा शॉट भी लग चुका, तीसरा शॉट लगा, बहुत आराम से टेक डाउन किया, बहुत बेसिक स्टांसेस हैं ये, बट इट हेल्प्स राइट. सो दिस प्लेयर आई वुड स्टिल से वंस अगेन, इस प्लेयर को रीडिफाइन किया है इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर ने. ये प्लेयर बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा बढ़िया है, मैं मानता हूँ प्लेयर ही इज इनक्रेडिबली ब्रिलियंट, बट इस प्लेयर को रीडिफाइन किया है इस प्लेयर के कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर ने, वो एम असिस्ट ऑफ ने. मैं ये नहीं बोल रहा कि ये प्लेयर उसके कारण अच्छा हुआ है, ये प्लेयर उसके कारण बहुत ज्यादा पॉलिश हुआ है एंड इसने उस कॉम्पिटिटिवनेस को बहुत अच्छे तरीके से ढाला है. वो पॉलिशनेस जो होती है वो इस प्लेयर में आई है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस प्लेयर राइट, इस प्लेयर का आपको पता है कि यहाँ पर जॉयस्टिक मूवमेंट रहता है, यहाँ पे छोटे से पीक के मूवमेंट्स हैं, यहाँ पर एम का मूवमेंट है और उसके अराउंड यहाँ पर इस प्लेयर का होता है जो एडीएस का होता है, यहाँ पर जंप लेटना बैठना लाइक इसी बटन के अराउंड सारे बाकी बटन होते हैं इस गोली वाले बटन के अराउंड राइट. इस तरीके से इस प्लेयर का पूरा वो रहता है जोनाथन का, अगर हम बात करें, एंड ऐसे ही प्लेयर खेलता है. अब यहाँ पर तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर इन्होंने एक प्लेयर को नॉक किया था, ये बहुत ही, हाँ ये बहुत ही अजीब चीज थी, जब बग्गी ऐसे गिरी थी एंड ये उछल के गिरे थे, तो ये उछल के गिरे एंड यहाँ पर इन्होंने प्लेयर को देख लिया. अब वो प्लेयर भाग क्यों रहा था, क्योंकि बाकी प्लेयर उस प्लेयर को मार रहे थे एंड उसके अकॉर्डिंग ये जगह उसके लिए कवर थी, यहाँ से हल्का सा कवर था उसको जब वो आगे जाता, तो यहाँ से भी कोई नहीं मार पाता, यहाँ से कोई नहीं मार पाता, थोड़ी देर के लिए बच जाता शायद वो, बट जॉनाथन था यहाँ पर एंड बिकॉज जॉनाथन था इजी टेक डाउन राइट, इजी टेक डाउन किया जॉनाथन ने. तो जॉनाथन आई वुड से, जैसे कि हम इन बात कर रहे हैं, नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट पार्ट्स एंड दैट वियर्डेस्ट पार्ट्स इज, सी आई नो जॉनाथन विल डू रियली गुड व्हेन इट कम्स डाउन टू दोस कॉम्पिटिशंस राइट, आई नो जॉनाथन विल डू रियली गुड, बट द ओनली फैक्टर इज हम लोगों का जितने भी यहाँ पे टूर्नामेंट्स हो, जितने भी यहाँ पे स्क्रिम्स होते हैं, बहुत सारे स्क्रिम्स में एम असिस्ट ऑन है, बहुत सारे स्क्रिम्स में एम असिस्ट ऑन है. आई डोंट नो कि अभी प्लेयर्स किस चीज से खेल रहे हैं, क्या वो एम असिस्ट ऑन से खेल रहे हैं, एम असिस्ट ऑफ से खेल रहे हैं, बट जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन है टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोगों से थोड़ी सी तो आगे निकल चुकी है यार, और क्योंकि ग्लोबल कॉम्पिटिशन हम लोगों से थोड़ी सी आगे निकले, हमें भी उसकी पेस में जाना पड़ेगा. टाइम कम है बट प्लेयर्स तैयार रहेंगे एंड ऐसे में जो प्लेयर तैयार रहेगा सबसे ज्यादा वो यही प्लेयर है जो यू नो बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज देख के परख के समझ के करता है. दैट्स वेयर दिस प्लेयर जस्ट नो कम्स डाउन. दिस प्लेयर इज द मोस्ट ब्रिलियंट प्लेयर, ही इज द वन हु इज जस्ट बीन यू नो सर्विंग द फैक्ट के इसको पता है यार, इसको बस ग्राइंड करना है, इसको बस आगे बढ़ना है. जोनाथन मीन्स ग्राइंड राइट नाउ. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट प्लेयर, इफ यू टॉकिंग अबाउट द बेस्ट प्लेयर दैट्स जोनाथन. इफ यू टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर हु हसल्स अ लॉट दैट्स दिस दिस लैड. इफ यू टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर हु नोज हिज अप्स एंड डाउन्स दैट्स दिस लैड. इफ यू टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर who's right now promoting something that's this lad. But if you're talking about a player who just you know आप सोचो यार, कोई भी वेपन होगा इस प्लेयर का के नाम पर जाता है, जैसे हम पैराबॉय के डीपी वगैरह बोलते हैं, ये प्लेयर M4 भी अच्छी चलाता है, ये प्लेयर अगर आप देखो ग्रोजा भी अच्छी चलाता है, ये प्लेयर आप देखो AK भी अच्छी चलाता है. इनफैक्ट इस प्लेयर की सबसे अच्छी खासियत यह, मान लो कि अगर सामने प्लेयर्स आएंगे ना इसके और ये अकेला भी बचा हुआ है, सो ही नोज कब वेपन स्विच करना है, ही नोज कब फाइट लेनी है, ही नोज कब पीछे आना है कवर के लिए, ही नोज कब सीधा आगे जाना है. सो ही नोज he is well aware of his surroundings and he takes fights according to that. So he's actually एक 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 वो नहीं होता, सपोज जैसे एक शेर होता है राइट, शेर को जंगल में जाकर के शिकार करना है तो वो देखेगा सराउंडिंग्स का, अवेयर करेगा एंड एवरीथिंग. ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. ही टेक्स फाइट्स व्हेन ही नोज दैट द सराउंडिंग्स आर रियली गुड फॉर हिम इफ ही इज अलोन एंड ही डज दैट इन अ ब्रिलियंट वे. इट्स जस्ट अबाउट देखो अब बहुत, अगर टेक्निकल में, अगर मैं बहुत टेक्निकल में जाऊं दोनों प्लेयर्स का, पैराबॉय का भी एंड जॉनथन का भी, पैराबॉय भी मरता है जॉनथन भी मरता है, बहुत बहुत सारी ऐसी चीज ऐसी जगह होती है जहां पर पैराबॉय भी टेकडाउन होता है, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर जॉनथन भी टेकडाउन होता है. नन ऑफ दीज प्लेयर्स आर परफेक्ट प्लेयर्स बट दीज आर क्लोज टू परफेक्ट व्हेन इट कम्स डाउन टू यू नो द ओवरऑल कॉम्पिटिशन. दीज प्लेयर्स आर क्लोज टू परफेक्ट एंड बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स हैव केपेबिलिटीज टू जस्ट बी द बेस्ट एंड दे आर एट दैट लेवल. इट जस्ट कम्स डाउन टू जीसी. We'll have to see कौन सी टीम इंडिया से जीसी जाती है. इट जस्ट कम्स डाउन टू जीसी बट राइट नाउ दिस कंपेरिजन वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ टू
इनक्रेडिबल थंपलेस। आप लोगों को कैसे लगे वीडियो जरूर बताना है, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। मेरे सोशल वंस अगेन आप लोगों को मिल जाएंगे, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। तो के लिए स्टे सेफ, स्टे इंडस्ट्री ऑसम एंड एपिसोड गाइस, हैव अ रियली अमेजिंग डे। डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स के क्या हो सकता है अगर ये दोनों कंपीट करें एक दूसरे के आमने सामने। टेक केयर।